नमस्कार दोस्तों, खाद्य विभाग में निकली एक नई भर्ती के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ, जिससे आप अपने ग्राम पंचायत में खाद्य विभाग के पद पर आप पदस्थ रह सकते हैं। एंड आपको अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए, क्या है खाद्य विभाग की भर्ती, क्या कुछ है, सभी जानकारी आज आपको देने वाले हैं। एंड अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र पर ओपन हो जाना है, यहाँ पर लिखना है एम राशन। ठीक है, एम राशन लिखकर आप जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने हमारी मध्य प्रदेश सरकार, हमारे मध्य प्रदेश सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको पहली वेबसाइट पर क्लिक कर देना है, राशन मित्र डॉट एन आई सी डॉट इन पर। यहाँ पर आपको नवीन विज्ञप्ति देखने को मिलेगी एंड हम पूरी विज्ञप्ति देखना चाहते हैं तो सभी विज्ञप्ति पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको कुछ देर वेट कर लेना है एंड यहाँ पर अपना जिला सिलेक्ट कर लेना है। एंड यहाँ पर अगर आप पूरे जिले में देखना चाहते हैं तो जिला की देख सकते हैं। एंड अगर आप अपने जनपद पंचायत में देखना चाहते हैं निकली है या नहीं, इस पर क्लिक कर देना एंड आपको कैप्चा फिल कर देना है, विज्ञप्ति देखें। अगर यहाँ पर विज्ञप्ति होगी तो यहाँ पर नीचे शो हो जाएगी। मान लीजिए यहाँ पर दतिया की जनपद पंचायत में, दतिया जनपद पंचायत में नहीं है तो यहाँ पर आपको विज्ञप्ति शो नहीं होगी। अगर आपको पूरी विज्ञप्ति एक साथ देखना है किस जिले में निकली है तो यहाँ पर आपको होम का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर होम वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप होम वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको कुछ स्क्रॉल डाउन करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नवीन राशन की दुकान के आवेदन आवेदन हेतु रिक्त ग्राम पंचायत है और आवेदन की अंतिम तिथि संबंधित जानकारी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से जिले में है, तो मंदसौर जिला है, उमरिया जिला है, सागर जिला है और गुणा। ठीक है, यहाँ पर निकाय मतलब कौन कौन से जनपद पंचायत में, तो भमोरी में है, गुना जनपद पंचायत, गुना सागर, पाली 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 और यहाँ पर आप देख सकते हैं। वो गांव की अगर बात कर रहे हैं तो गुना के भमोरी जनपद पंचायत के अंतर्गत खगड़पुरा एक है, रेजाई है, डूगाक्सारा है, करकेही महू, सानोदा है। ठीक है, यहाँ पर हम नगर परिषद में भी देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर नवीन दुकान, सभी नवीन दुकान है। अगर आपको इसमें आवेदन करना है तो इसके एक संपूर्ण वीडियो लेकर हम आएंगे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि इसका आवेदन किस प्रकार से करना है, उसकी जानकारी आप हमें ज़रूर दें। एंड मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि अगर आप भी गुणा जिले से हैं तो आप भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जिस जनपद पंचायत के अंतर्गत आ रहे हैं केवल उसी से आवेदन करना है, गुना जिले से मतलब नहीं। गुना जिले में भर्ती निकली है, जनपद पंचायत भमोरी के अंतर्गत जो जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो खड़गपुर में आवेदन कर सकते हैं। जो जो गुना जनपद पंचायत के अंतर्गत आ रहे हैं वे रेजई में, डूगा खरा में आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप भी आवेदन करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पर आपको जो है वो नवीन दुकान है तो आवेदन स्थिति ट्रैक करने का ऑप्शन मिल जाएगा। एंड नवीन आवेदन के साथ पोर्टल पर अपलोड करने तो आवश्यक दस्तावेज यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, आवेदन का प्रारूप डाउनलोड कर सकते हैं राशन दुकान के बारे में। एंड यहाँ पर आप ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं, अगर आपने इसमें पहले से आवेदन किया है तो यहाँ पर आप अपनी स्थिति ट्रैक कर सकते हैं। एंड अगर आपको नया आवेदन डालना है तो सबसे पहले यहाँ पर आपको होम पेज पर आ जाना है। ठीक है, होम पेज पर जैसे ही आप आएंगे आपको कुछ स्क्रॉल डाउन करना है एंड यहाँ पर आपको चौथे नंबर का ऑप्शन दिख जाएगा, उचित मूल्य दुकान पंजीकरण के लिए आवेदन। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर पूरी डिटेल डालने को हो जाएगी। एंड यहाँ पर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपको ऐसा जानकारी चाहिए कि लाइव हम आवेदन करके बताएं तो कमेंट जरूर करिएगा, आपको बिल्कुल लाइव आवेदन कर हम बताने वाले हैं। एंड इसमें अगर कुछ नए जिले अगर अपडेट होती है कि नई जिले में भर्ती आती है तो आपको ज़रूर यहाँ पर जानकारी दी जाएगी। एंड अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर क्लिक करो। एंड अतिथि शिक्षक अपने स्कोर कार्ड में क्वालिफिकेशन कैसे ऐड कर सकते हैं, अतिथि शिक्षक संबंधित नया आदेश यहाँ पर आ चुका है तो अभी तक आपने नहीं देखा है तो जल्दी से देख लीजिए। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।